हेलो स्टूडेंट्स, तो आज आपका 14 जून को आपका सेकंड पेपर था, तो आपका फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है वो ऑलरेडी हो चुका है। तो मैं काफ़ी जल्दी आपका फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम का एनालिसिस वीडियो लेकर आई हूँ। तो मुझे जितने भी टॉपिक्स मिले थे उतने ही टॉपिक्स मैं आज एनालिसिस वीडियो में कवर करूँगी, ठीक है। और ये जो एनालिसिस वीडियो है वो आपके सेकेंड शिफ्ट के पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो इसलिए इस वीडियो को देख लेना एग्जाम में बैठने से पहले, ठीक है। तो शुरू करते हैं अभी फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस वीडियो। तो सबसे पहले बच्चे बता रहे हैं कि एग्जाम का जो लेवल है वो आपका मॉडरेट रहा है, यानी कि ना ज़्यादा इजी रहा है ना ज़्यादा टफ रहा है, मॉडरेट लेवल का एग्जाम था। अगर आपने चीज़ें पढ़ी है अच्छे से तो उन चीज़ों में से ही, उन सिलेबस में से ही आया है, आउट ऑफ कोर्स कुछ भी नहीं आया है, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड की अगर हम बात करें तो उसमें से 4 से 5 क्वेश्चन बताए गए हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड में आपके मेथड्स ऑफ टीचिंग से क्वेश्चन आया है, लर्नर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स से भी क्वेश्चन आया है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में हमने मेथड्स ऑफ टीचिंग, लर्नर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, है ना, अडोलसेंट अडल्ट लर्नर्स, ये सब कुछ हमने हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड की सीरीज़ में पूरा सब कुछ डिटेल में अच्छे से करा था। तो बच्चे बोल रहे थे कि मैम जो टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस है वो काफ़ी लेंदी हो रही है, प्लीज़ बताओ कब ख़त्म होगी कब ख़त्म होगी। तो वो मैंने लेंदी क्लासेस इसीलिए ली थी ताकि आपको हर एक एक कंसेप्ट जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो अगर आपने अभी भी टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस नहीं देखी तो उसको देख लेना, आने वाले दिनों में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी उन क्लासेस से, ठीक है। रिसर्च एप्टीट्यूड में आपके हाइपोथेसिस से क्वेश्चन आया है, टाइप्स ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन आया है कि कितने टाइप्स की रिसर्च होती है, उससे आपका एक क्वेश्चन बना है, और एथिक्स से भी आपका एक क्वेश्चन आया है। तो एथिक्स जो है वो काफ़ी फेवरेट टॉपिक दिख रहा है इस बार, एथिक्स से कल वाले पेपर में भी क्वेश्चन आया था, आज वाले में भी क्वेश्चन आया है। तो हो सकता है कि सेकेंड शिफ्ट में फिर आपका एथिक्स से क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो एथिक्स जो है वो इस बार काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक दिख रहा है, और हर बार एथिक्स से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, ठीक है। तो अब जिनका भी पेपर होने वाला है वो एथिक्स वाले टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। कम्युनिकेशन की अगर बात करें तो कम्युनिकेशन में आपके टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन से एक क्वेश्चन आया है, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन से एक क्वेश्चन आया है, और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन से भी एक क्वेश्चन आया है। इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल दो तरीके के कम्युनिकेशन होते हैं, इंट्रापर्सनल जो हम खुद से बातें करते हैं, सेल्फ टॉक जो हम करते हैं, और इंटरपर्सनल जो हम दूसरों से बातें करते हैं, यानी कि दो जनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो होता है आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन से आपका एक क्वेश्चन आया है। ICT की अगर हम बात करें तो फिर से आज वाले पेपर में फर्स्ट शिफ्ट में ICT में नंबर सिस्टम का फिर से एक क्वेश्चन देखा गया है। कल भी नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस थे, आज भी हैं, और नंबर सिस्टम में आपको डेसिमल टू बाइनरी को कन्वर्ट करना था, ठीक है। तो नंबर सिस्टम भी आप अच्छे से पढ़ लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक दिख रहा है इस बार। फिर आपके ICT में रैम और रोम से एक क्वेश्चन आया है, और जो आपके मेलवेयर और जो भी वायरसेस थे आपके ICT चैप्टर के अंदर, उससे भी आपका एक क्वेश्चन बना है, ठीक है। हायर एजुकेशन की अगर हम बात करें तो फिर से आज वाले पेपर में फर्स्ट शिफ्ट में आपका NEB 2020 से एक क्वेश्चन आया है। कल भी आया था, आज भी आया है, तो हो सकता है कि सेकेंड शिफ्ट में फिर NEB 2020 से क्वेश्चन आ जाए। तो एग्जाम में बैठने से पहले एक बार NEB 2020 को अच्छे से देख लेना। अगर आपके पास में PDF नहीं है तो मैंने टेलीग्राम पे ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ पूरी NEB 2020 की डिटेल PDF। अगर टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लेना, और वो PDF वहाँ से अच्छे से पढ़ के और फिर ही एग्जाम में बैठना, ठीक है। और आपका हायर एजुकेशन से कमीशन्स पे भी एक क्वेश्चन आया है, ठीक है। अगर हम बात करें पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट वाले चैप्टर की, तो वहाँ से आपके प्रोटोकॉल्स से एक क्वेश्चन आया है। SDGs जो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड गोल्स हैं, वहाँ से आपका एक क्वेश्चन आया है। पॉल्यूशन और एयर क्वालिटी से भी आपका एक क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स से आपके कल के पेपर में फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट दोनों ही शिफ्ट में आपके एक एक क्वेश्चन देखे गए थे, और आज भी आपके एयर क्वालिटी से एक क्वेश्चन आया है, ठीक है। फिर हम बात करें अगर DI की, तो DI बच्चे बता रहे हैं कि मॉडरेट था लेकिन कैलकुलेटिव था, यानी कि काफ़ी सारी कैलकुलेशंस करनी पड़ी, तो थोड़ा लेंदी था लेकिन इजी था, इतना टफ नहीं था, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग में आपके फिर से इंडियन लॉजिक पे क्वेश्चन आया है, कल भी आया था इंडियन लॉजिक पे क्वेश्चन और आज भी आया है। तो इंडियन लॉजिक पे हर बार एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, तो आप इंडियन लॉजिक को लॉजिकल रीजनिंग में प्लीज़ छोड़ के मत जाना, ठीक है। रीजनिंग की अगर हम बात करें तो रीजनिंग में आपके कोडिंग डिकोडिंग से एक क्वेश्चन आया, और नंबर सीरीज से भी एक क्वेश्चन आया है, यानी कि कल के पेपर में भी नंबर सीरीज से क्वेश्चन आया था और आज भी फर्स्ट शिफ्ट में नंबर सीरीज से क्वेश्चन आया है, ठीक है। मैथ्स में आपके कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन आया है, परसेंटेज प्लस रेशियो, परसेंटेज और रेशियो दोनों टॉपिक्स को मिला के आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन तो था वो ईजी बता रहे हैं कि टफ नहीं था, आपको अगर प्रैक्टिस है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ टॉपिक्स जो हमारे आज के फर्स्ट शिफ्ट में आए हैं। तो आपने देखा है कि काफ़ी सारे टॉपिक्स जो है वो रिपीट हो रहे हैं,
फर्स्ट शिफ्ट से सेकंड शिफ्ट में रिपीट हो रहे हैं, कल के पेपर से आज के पेपर में रिपीट हो रहे हैं, तो ये जो टॉपिक्स मैं बता रही हूँ आपको एनालिसिस वीडियो में, इन सभी वीडियोस को आप देखना आने वाले टाइम में जब आपका एग्जाम होगा, तब हो सकता है कि ये जो टॉपिक्स है वो वापस से रिपीट हो जाए और सेम टॉपिक से क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो ये वीडियोज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। और टेलीग्राम को भी ज्वाइन करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर भी हम काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो शेयर करते रहते हैं, ठीक है। थैंक यू।